हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे कॉर्नफ्लेक्स इजी से। और चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऑल वीडियोज आप तक पहुँच सकें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक बाउल में 2 मीडियम साइज के चम्मच से कॉर्नफ्लेक्स डालेंगे। कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जो मैंने ऑलरेडी चॉप कर लिए थे, ये 2 पिन खजूर हैं और 4 से 5 काजू हैं, 4 बादाम थी, 2 अखरोट थे और 8 से 10 किशमिश हैं और 4-5 पिस्ते थे और ये पम्पकिन सीड्स हैं, ये रेड बेरी है, ये ब्लैक बेरी है, ज़्यादा पसंद नहीं तो एक ही डालिए। एंड ये वाटरमेलन सीड्स हैं और ये सनफ्लावर सीड्स हैं, ये लीन सीड्स हैं और ये एक ड्राई स्ट्रॉबेरी है, इसको भी पीसेस में कट कर लिया है, ये अच्छी लगती है इसलिए डाल दिए। तो सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं इसमें डाल देंगे, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। थोड़े थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जो हैं छोड़ दिए हैं गार्निशिंग के लिए। ये आपके पास अगर ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल ना हो तो आप सिर्फ कॉर्नफ्लेक्स ही बना के दूध में डाल के खा सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं और टेस्टी तो बहुत ही ज़्यादा लगते हैं मुझे और बहुत जल्दी बन जाते हैं। बस 2 मिनट वाला नाश्ता है, फटाफट से आप बना सकते हो और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। तो सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, साथ ही साथ ये थोड़े से सीड्स हैं इनको भी डालें। ये ड्राई स्ट्रॉबेरी थी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी तो मैंने इसको ऐड कर लिया। आप चाहते हो स्किप भी कर सकते हैं पर बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी हैं। आप अगर एक बार ट्राई करें तो आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। तो ये 1 लोगों के लिए मैंने कॉर्नफ्लेक्स बनाया है, आप अगर ज़्यादा लोगों के लिए बनाएं तो ड्राई फ्रूट्स और कॉर्नफ्लेक्स की मात्रा जो है बढ़ा लीजिएगा और अपने हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हों आप उनको ऐड कर सकते हो एंड बाकी के ड्राई फ्रूट्स आप स्किप भी कर सकते हो। आप 1 चम्मच इसमें चीनी ऐड कर देंगे, ज़्यादा मीठा नहीं बनाएंगे। अब इसमें 1 ग्लास के लगभग दूध ऐड करेंगे। दूध बिल्कुल एकदम गर्म होना चाहिए उबलता हुआ। अब बस इसको 1 मिनट के लिए अच्छे से सोख होने देंगे, हल्का सा क्रंची रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा सोख हो जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो बस 1 मिनट के लिए इनको सोख कर देंगे और चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये बनकर रेडी हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो देखिए ये बनकर रेडी हो चुका है, अच्छे सोख हो चुके हैं। अब ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और 2 मिनट में बनकर ये रेडी हो जाता है पर बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी सा मॉर्निंग नाश्ता है, बहुत ही ज़्यादा ईजिली बन जाएगा। तो रेसिपी अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा रेसिपी कैसी लगी। ऐसी न्यू एंड टेस्टी रेसिपी जानने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी ऑल वीडियोज एंड नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।